देवास जिले में प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच हुई तीखी नोकझोंक और सांसद का जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री द्वारा अपमान किए जाने को लेकर भाजपाइयों ने रोष व्याप्त है। सांसद के अपमान के खिलाफ प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी का नेमावर बस स्टैंड पर भाजपाइयों ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने मंत्री अहंकार में जी रहे, हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं, पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। खाद्यकार सादिक खान की रिपोर्ट। वहीं परसों जिला योजना समिति की बैठक में आप लोगों ने देखा होगा कि 17 लोगों के द्वारा चुने हुए 8 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 जिलों के मालिक सांसद श्री महेंद्र सोलंकी जी का जिला योजना समिति देवास में किस तरह अपमान व अनादर हुआ है, ये पूरे देश और प्रदेश के लोगों ने देखा है। उसी घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जी का पुतला जलाया गया। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सत्ता के मध्य में चूर हो चुके हैं और उनके कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज जीतू पटवारी जी का पुतला जलाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह संकेत और संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभ्य है, शालीन है, लेकिन डरपोक नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।